हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके कर्न साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अभी तक के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं पिछले साल के पेपर में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो के अंत में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट है नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के अनुसार होती है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि इनको अधिकार दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तो वो किसी भी व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं। वो विधानसभा के जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उन्हीं को वे मुख्यमंत्री का पद देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई दलों का जो प्रमुख दल होता है, कई दलों को मिलाकर एक प्रमुख दल होता है, उनका जो नेता होता है उसे वो मुख्यमंत्री पद पर की नियुक्ति कर देते हैं। नेक्स्ट है शपथ, कार्यकाल एवं वेतन। राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और कई बार क्वेश्चन में ये आ भी चुका है कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाते हैं? आपके राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये ऐसा निश्चित नहीं है कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल दिया गया है, ये कितने भी बार ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब राज्यपाल चाहे तभी मुख्यमंत्री के पद से हटा सकता है, ऐसा नहीं किया सकता। ऐसा एक ही कंडीशन में होता है, जब वो अपना विश्वास मत खो देते हैं तब मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है। अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री पद से उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है। मतलब इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो आंसर होगा आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री होते हैं। सेकेंड है मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण तो किया जाता है, साथ में इनको वेतन एवं भत्तों के साथ निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि भी मुख्यमंत्री पद में रहने वाले व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। फिर इनके कई सारे कार्य हैं, कुछ मंत्रिमंडल के संदर्भ में है, कुछ राज्यपाल के संदर्भ में है, राज्य विधानसभा के संबंध में है, एवं कुछ अन्य शक्तियाँ भी इनको दी जाती हैं। जैसे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। फिर राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद का प्रमुख तंत्र कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जैसा आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं उनके राज्य निर्वाचन आयुक्त भी जो होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में भी वो राज्यपाल को परामर्श दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? मुख्यमंत्री। समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जैसे महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, साथ ही निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयुक्त जो बने होते हैं उनके लिए भी, उनकी नियुक्ति के लिए भी वो राज्यपाल को परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में भी कौन सलाह देता है? मुख्यमंत्री ही उसके संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा कब बुलानी है या स्थगित करनी है, और साथ ही विधानसभा को विघटित करने की भी सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल से कर सकते हैं।
प्रदेश में जितनी भी सरकारी नीतियों की घोषणा होती है, मतलब कोई योजना है, कोई नौकरी है, उन सब की घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करते हैं। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके MCQ क्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एग्जाम्स होते हैं इन्हीं में से सब क्वेश्चन बने, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता और आपातकाल के दौरान भी राजनीतिक स्तर का मुख्य प्रबंधक कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान अगर आपका कोई मंत्री होगा राजनीतिक स्तर का तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पद संभालता है किस किस चीजों को? राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष को। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। चलिए अब यहाँ पर हम आपसे पहले भी बताए हैं कि इस वीडियो में हम इस अभी तक के मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम उन्हीं के नाम के से ही उनको याद करेंगे। मतलब कोई ट्रिक मैंने यहाँ पे अलग से दोहा और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अपन दोहा जब याद करते हैं ना तो एग्जाम टाइम में सब भूल जाता है। हमें उनके ऑप्शंस देख के ही पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री थे और कौन नहीं थे, है ना। तो चलिए अगर आपको इसी से संबंधित राज्यपाल का भी ऐसी कोई ट्रिक याद करनी है तो इसे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राज्यपाल को याद करने की भी वो ट्रिक मैंने बनाई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पहला नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी, ठीक है। सेकेंड है भगवंत राय मंडलोई और थर्ड है कैलाशनाथ कारजू। भगवंत राव मंडलोई जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं कैलाश नाथ कारजू उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, सॉरी, ये राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए अब इनको याद कैसे करना है? मुख्यमंत्री के बारे में हमें याद करना है, किसके बारे में याद करना है? मुख्यमंत्री। तो शंकर, रवि शंकर, भगवत राव, कैलाश। तो शंकर भगवान कैलाश के मुख्यमंत्री हैं, शंकर भगवान कैलाश के, ठीक है। रविशंकर, भगवंत राव, कैलाश नाथ कारजू क्या थे? मुख्यमंत्री। तो शंकर भगवान कैलाश के मुख्यमंत्री हैं। फिर कैलाश से भगवान कहाँ गए? द्वारिका गए। कैलाश से भगवान कहाँ गए? द्वारिका गए। जैसे होता है ना कि यार हम तो आज ये बन गए, अब जाएंगे अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करेंगे, तो ये सेम इनके साथ भी कंडीशन हुई कि शंकर भगवान कैलाश में मुख्यमंत्री बन गए। फिर वो कैलाश से शंकर भगवान कहाँ गए? भगवान कहाँ गए? द्वारिका गए। द्वारिका गए तो द्वारिका में कौन मुख्यमंत्री है? गोविंद नारायण। गोविंद नारायण, इनको द्वारिकाधीश कहा भी जाता है। तो द्वारिका में कौन मुख्यमंत्री हैं? गोविंद नारायण, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। और द्वारिका प्रसाद मिश्र एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर इनका जन्म हुआ है, नहीं तो यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये सभी इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और द्वारिका प्रसाद मिश्र संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है राजा नरेश चंद्र सिंह। इतना तक आपको याद हो गया होगा कि रवि शंकर भगवान कैलाश गए, सॉरी, शंकर भगवान कैलाश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कैलाश से भगवान कहाँ गए? द्वारिका गए। द्वारिका में वो गए तो द्वारिका में उनके दोस्त रहते हैं, तो वहाँ के दोस्त उनके कौन है? गोविंद नारायण है। और गोविंद नारायण द्वारिका के मुख्यमंत्री हैं। इतना क्लियर हो गया। अब राजा नरेश चंद्र थे, एक कौन थे? राजा नरेश चंद्र थे। तो उनको गोविंद नारायण को देख के ये समझ आया कि मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए धूप में जनता से मिलने जाना पड़ता है। ये सब किसको समझ में आया? राजा नरेश चंद्र को, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजा नरेश चंद्र को जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? धूप में अपने चरण को श्याम करना पड़ता है, मतलब चरण को काले करना पड़ता है। धूप में चलते चलते उनके चरण क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। किसको देख के समझ में आया? गोविंद नारायण को देख के राजा नरेश चंद को समझ में आया कि मुख्यमंत्री बनना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर जनता से मिलने के लिए धूप में कई कई दिन चलना पड़ता है, जिससे आपके चरण काले हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या नाम आया है, प्रकाश चंद सेठी। अब जब राजा नरेश चंद को ये समझ में आ गया कि जनता से मिलने में धूप में पैर काले हो जाते हैं,
अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो काले पैर अच्छे लगेंगे क्या? नहीं ना। तो उनको क्या करना है, अब चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में मुख्यमंत्री को अपने पैरों को 2 रात रखेंगे तो उनके जो काले चरण हैं, श्याम चरण हैं, वो कैसे हो जाएंगे? कैलाश जैसे जोशी, कैलाश जैसे जैसे कैलाश जोशी, कैलाश जैसे हो जाएंगे। किसके किसके चरण हो जाएंगे यहाँ पर? राजा नरेश चंद्र सिंह के चरण कैसे हो जाएंगे? पहले जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके चरण काले हुए थे, फिर उनको काले चरणों को गोरा करना है, तो चंद्रमा के प्रकाश में वो 1 दिन और 2 दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद रखेंगे तो उनके जो काले चरण है, श्यामा चरण है, वो कैसे हो जाएंगे? कैलाश जैसे हो जाएंगे। और कैलाश कैसा होता है? सफ़ेद, पूरा बर्फ से ढका हुआ। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, सखलेचा सखलेचा, तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा मतलब सीख लिया, सीख लिया, सखलेचा सीख लिया, सीख लिया, है ना। तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा को समझ सकते हैं आप कि जो वीर इंद्र हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आपको पता है इंद्रपुरी के मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? इंद्रपुरी कौन संभालते हैं? वीर इंद्र, वीरेंद्र, वीर इंद्र कौन संभालता है? इंद्रपुरी को वीरेंद्र संभालते हैं। इन्होंने क्या सीखा कि ये तो मुख्यमंत्री चलो बन गए कहाँ के? इंद्रपुरी के। लेकिन इनको ना अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी इच्छा है, होता ही है। तो वीरेंद्र को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, तो उसके लिए क्या होगा? एक इनको सुंदर लाल पटवा की जगह अगर हम कहें बिटवा, पटवा की जगह अगर हम इनको कहें बेटवा, बेटवा मतलब बेटा, तो इनको सुंदर लाल बेटवा चाहिए, बेटा चाहिए, सुंदर लाल एक बेटा चाहिए जो सुंदर हो, बढ़िया अच्छा हो, है ना, अर्जुन जी जैसा बिल्कुल शक्तिशाली हो, सिंह सी दहाड़ हो, है ना। तो इनको इस टाइप की इनका इनको जरूरत है एक बेटे की जो सुंदर लाल इनका बेटा हो और अर्जुन जैसा वीर और सिंह की दहाड़ हो। तो अब ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो कहते हैं ना कि मोर मोती बोरा बोरा, मोती लाल बोरा, मोती लाल बोरा, बोरा मोरा, मोरा गांव में कहते हैं ना, मोर मतलब मेरा, मेरा मोती, मेरा लाल, बेटों को क्या आ जाता है? लाल बेटा, लाल, है ना। तो मोर मोती मोर लाल, अर्जुन जैसे बिल्कुल बहादुर हो जाओ, है ना, बार बार उनको लाड़ प्यार से वो अपने बेटे को बोल रहे हैं मोर मोती मोर लाला, है ना। तो अब उनको दुख लग रहा है कि उनका सुंदर लाल जैसा बेटवा तो है, बढ़िया सुंदर है, मेरा मोती जैसा मेरा लाल बेटा है, मोर लाला मोर बेटा, है ना, उसको कैसा बनाना है? उनको अर्जुन जैसा शक्तिशाली बनाना है, सिंह की दहाड़ होनी चाहिए, और ये सब करने पर, और साथ ही उनको श्याम चरण धूप में भी चलना पड़ेगा। तो उनका मन थोड़ा कठोर हो रहा है वीरेंद्र कुमार का, कि उसको अब अपने चरण काले करने पड़ेंगे, धूप में चलने पर उनके चरण क्या होंगे? काले हो जाएंगे। तो उनको थोड़ा दुख लग रहा है ना। इतने से आपको नाम याद हो गया कैसे, कि जो राजा नरेश चंद्र थे उनको ये पता चल गया कि पैर जनता से मिलने में पैर काले होंगे, और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन काले पैरों को कैसे ठीक करेंगे? चंद्रमा के प्रकाश से 1 दिन 2 दिन रहेंगे तो उनके काले चरण श्याम चरण जो है वो कैसे हो जाएंगे? कैलाश जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। इन सब के कामों से किसे सीख मिली? वीरेंद्र को, वीर इंद्र जो इंद्रपुरी के मुख्यमंत्री हैं उन्हें सीख मिली कि मुख्यमंत्री बनाना, मेरे को भी अपने बेटे को क्या बनाना है? मुख्यमंत्री बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक सुंदर लाल बेटवा होना चाहिए जो अर्जुन जैसा शक्तिशाली, सिंह जैसी दहाड़ होना चाहिए, लेकिन प्यार तो सब अपने बेटे से करते हैं। तो वो अपने बेटे को कह रहे हैं मोती मोर लाला, अब तुम्हारे भी पैर काले पड़ जाएंगे जनता से मिलने में, है ना। तो वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। सुंदर लाल पटवा बेटवा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें श्री दिग्विजय सिंह। अब श्री दिग्विजय सिंह, दिग्विजय 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 मतलब क्या होता है आपको पता है? जो चारों दिशाओं में जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जो संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले वो क्या होता है? दिग्विजय। तो ये अपने नाम को ही यथार्थ करते हैं कि जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले वो तो मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, और वो भी एक बार नहीं दो दो बार बनेगा। और इसी कारण से इनको क्या उपनाम इनको दिया गया? दिग्गी राजा। इनको क्या बोलते थे? दिग्गी राजा। आप लोग कई लोग सुने ही होंगे। फिर नेक्स्ट है सुश्री उमा भारती। उमा भारती ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं।
इनका नाम क्या है, सुश्री उमा भारती। अब उमा 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 मतलब क्या होता है, पार्वती दुर्गा है ना, तो इनको याद करने के लिए या इनका उमा उमा भारती मतलब दुर्गा जी का मुख्य मंत्र तो सभी याद करके रखते हैं, क्योंकि जब भी अपन कोई पूजा करते हैं तो उनसे संबंधित जितने भी मुख्य मुख्य मंत्र होते हैं, उनका मंत्र तो खैर सब याद नहीं कर पाते, मुख्य मुख्य जो मंत्र होते हैं दुर्गा जी के वो याद करके रखते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा उमा भारती के, उमा जी के मुख्य मंत्र, मुख्यमंत्री उमा जी के मुख्य मंत्र, उमा मतलब माता पार्वती माता दुर्गा है ना, तो उनके मुख्य मंत्र मुख्यमंत्री, ठीक है, इतने से आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी एक ही महिला है अभी तक, तो इनका नाम याद करना कोई इतनी कठिन बात नहीं है। नेक्स्ट है बाबूलाल गौर, श्री बाबूलाल गौर। अब इनका उपनाम भी आप जानते होंगे कि इनका उपनाम है बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, बुलडोजर के नाम से। और आपको पता है कि जैसे ही कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी का कभी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, जो पिछला मुख्यमंत्री रहता है उसके सब कामों पे क्या चला देता है, बुलडोजर चला देता है। क्या चला देता है, बुलडोजर, मतलब जो पिछला जितना भी 5 साल 10 साल का काम होता है सब में बुलडोजर चलाओ, अब अपना नया काम करना है। तो वो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उनने क्या कर दिया, पिछली जितना भी काम हुआ था सब में बुलडोजर चला दिया था। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिव जी का राज, शिव जी का राज, जहाँ पे शिव जी का राज हो, और सिंह, सिंह किसका वाहन है, सिंह किसका वाहन है, उमा उमा भारती, उमा मतलब पार्वती, पार्वती जी का वाहन क्या होता है, सिंह। तो जब शिवराज, शिव जी राज कर रहे थे और साथ ही उनके पास एक्सपीरियंस मतलब उमा भारती जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुकी, तो उनका वाहन कौन होता है, सिंह। तो एक्सपीरियंस लोग जब साथ में थे तो इनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला शिवराज सिंह चौहान को, जिससे ये 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और ये सबसे ज़्यादा सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर जब ये शिवराज सिंह का चौहान, शिवराज सिंह, श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल 3 बार हो चुका, फिर इतने में आए कौन, श्री कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ मतलब कमला के नाथ, भगवान विष्णु आए, कमलनाथ आए है ना। तो उन्होंने आके देखा कि यहाँ पर तो जनता शिवराज सिंह चौहान जी से काफ़ी खुश है, शिव जी के राज से काफ़ी खुश है, यहाँ पर मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ही पल के लिए है, मतलब 17/12/2018 से 23/2020 तक ये इन्होंने कार्यकाल पद संभाला मुख्यमंत्री का, और इसके बाद ये वापस क्या बोल के गए कि भाई जनता खुश तो सब खुश है ना, तो आप शिवराज सिंह आओ और अपना पद संभालो, जनता खुश तो हम भी खुश। तो वापस शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर हैं, जो अभी भी इस पद पर बने हुए हैं। चलिए अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल, यहाँ पर फिर से मिसिंग हो गई एक मात्रा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के थ्रू राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में राज्यपाल के बारे में और उनको याद करने की एक ट्रिक भी डिस्कस करी थी, अगर आपको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की बैठक में आपको मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हुए थे और अगल बगल उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तो सॉरी उनके मंत्री बैठे हुए थे, तो अध्यक्षता कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, उमा भारती जी हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
फिर है मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। और इनको भत्ते और वेतन के भत्तों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इनकी निशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि इनको भत्तों के रूप में मिल जाती हैं। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये कई बार, मतलब मुझे याद नहीं है कि कितने टाइम, और सभी मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है, तो आप इसको प्लीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अभी राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, बट इट विल बी इम्प्रूव। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। कौन? राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो सभी को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जितने भी मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सिफारिश करता है, बट शपथ कौन दिलाएगा? सभी को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।